आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्यय को कम करने के अनेक उपाय किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे अभूतपूर्व कार्यों में से एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। सिकल सेल रोग गंभीर विषय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। जनजातीय आबादी में इस विषय की जागरूकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षणों का देर से पता चलता है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस रोग का निरंतर प्रसार होता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा चुके हैं। इनमें सफल परिणामों से इस विषय की गंभीरता को समझने में मदद मिली है। अब उनके नेतृत्व में इस मिशन को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए वर्ष 2023 से 24 के केंद्रीय बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई। यह मिशन बहुआयामी जागरूकता प्रयासों तथा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के माध्यम से आदिवासी नागरिकों को स्वस्थ, पीड़ा मुक्त और लंबा जीवन देने में कारगर साबित होगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन को समूची सरकार के दृष्टिकोण से चलाने का निर्णय लिया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों तथा अभियान शिविरों में 0 से 40 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग मिशन मोड पर की जाएगी, ताकि वर्ष 2025 से 26 तक 17 प्रभावित राज्यों के लगभग 7 करोड़ लोगों की जाँच की जा सके। प्रत्येक स्क्रीन किए गए व्यक्ति को उनका स्टेटस बताने तथा जेनेटिक काउंसलिंग हेतु कलर कोडेड कार्ड भी दिया जाएगा। महिला एवं पुरुष द्वारा कार्ड मिलान करने पर उनके भावी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना का तुरंत पता चल जाएगा। यदि इस कार्ड का मिलान विवाह पूर्व किया जाए तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोकने और उसके उन्मूलन में अविश्वसनीय मदद मिलेगी। अभियान के अपेक्षित परिणाम पाने के लिए सिकल सेल रोग प्रबंधन में 3 प्रकार की समावेशी रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोगियों और उनके परिवार जनों को आश्वस्त करने और जन चेतना के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जाएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही नवनिर्मित सिकल सेल पोर्टल, मिशन प्रबंधन मार्गदर्शिका, व्यापक प्रचार प्रसार सामग्री एवं प्रशिक्षण सामग्री का भी विमोचन किया जा रहा है। प्रभावित राज्यों के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, एकलव्य विद्यालय तथा मेडिकल कॉलेज सहित 50,000 से ज्यादा स्थानों पर लोग इस विमोचन में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। आइए हम सब मिलकर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में योगदान दें और भारत को सिकल सेल के नए मामलों से मुक्त कराने में सफलता दिलाएं।